हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद कितने समय तक आपको इंतज़ार करना है और उसके बाद आप सेफली बिना किसी प्रॉब्लम के रिलेशनशिप यानी कि संबंध बना सकते हैं। डिलीवरी चाहे नॉर्मल तरीके से हुई हो या सर्जरियन से, डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है या डिस्चार्ज होता है, जिसे हम बोलते हैं लोकिया। कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसे रिवर्ट बैक करने के लिए कुछ टाइम लगता है बॉडी को। नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो प्राइवेट पार्ट में कभी स्टिचेस आते हैं या वजाइना में टीयर्स होते हैं या ब्रूजेस होते हैं जिसे हील अप होने में टाइम लगता है। या अगर सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो पेट पे स्टिचेस आते हैं जिसे हील अप होने में टाइम लगता है। तो ऐसे में अक्सर दिमाग में ये रहता है कि कितना टाइम सेफली आप वेट कर सकते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। और इस दौरान अगर रिलेशनशिप बनता है तो ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, अनकंफर्टेबल लग सकता है और हार्मोनल चेंजेस से जो बॉडी निकल रही होती है उसके चलते आपकी इच्छा में भी कमी आ सकती है कि आपका मन नहीं करता है। बच्चे की केयर में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपका टाइमली स्लीप नहीं हो पाता है, रेस्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सब चीज़ें डिलीवरी के बाद में बहुत कॉमन होती हैं। तो इस वजह से कम 1.5 महीना ये टाइम होता है जो एक फीमेल की बॉडी को चाहिए रहता है रिकवर होने के लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। 1.5 महीने के बाद ज़्यादातर केसेस में वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है होती है तो उस टाइम तक स्टिचेस हील अप हो जाते हैं, वजाइना के अंदर के लैसरेशंस हील हो जाते हैं, जो यूट्रस का माउथ पूरा ओपन होता है वो अपना नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऐसे में अगर रिलेशनशिप बनाया जाता है तो रिलेशनशिप के दौरान दर्द नहीं होगा, आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और अब क्योंकि कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज नहीं है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी नहीं रहता या हैवी ब्लीडिंग होने का भी रिस्क नहीं रहता। तो कम से कम 1.5 महीना ज़रूर वेट करना चाहिए। किसी किसी केसेस में ये टाइम 15-20 दिन और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है बॉडी को हील अप होने में। अब क्योंकि हम 1.5 से 2 महीने का गैप बोल रहे हैं तो उसके बाद अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप रखते हैं तो वजाइनल ड्राइनेस की वजह से या अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई है तो वहाँ पे स्टिचेस आने की वजह से फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप बनाना हो सकता है थोड़ा सा पेनफुल हो, आपको अनकंफर्टेबल लगे। तो अच्छा ये रहता है कि उस टाइम पे अगर आप किसी तरीके का लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें ताकि कोई ड्राइनेस नहीं रहे या फोरप्ले का ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। अब ये अक्सर दिमाग में रहता है कि अगर हम 1.5-2 महीने के बाद में ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रख ली, बॉडी अच्छे से हील अप हो गई है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, पेन नहीं है, आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें ध्यान रख ली, तो क्या आप इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली यस, 1.5-2 महीने के बाद हो सकता है कि आपकी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ओव्यूलेटरी साइकिल है वो रेगुलर सेटअप हो जाए, या उसे कई बार सेटअप होने में 3 महीना, 6 महीना, साल या 2 साल भी लग सकता है। ये बॉडी टू बॉडी, केस टू केस वेरी करता है, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो अच्छा ये रहेगा कि आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीरियड्स कभी भी आ सकते हैं, डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, नॉर्मलाइज भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कई बार धोखे में प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, और डिलीवरी के बाद अगर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ये मदर, बच्चे और आने वाली प्रेगनेंसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो आपको प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये प्रिकॉशंस अच्छा तो यही रहेगा कि बैरियर मेथड इस्तेमाल किया जाए। अगर आप बैरियर मेथड में कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ खास इंजेक्शंस होते हैं जो 3 महीने में 1 बार लगाए जाते हैं और उससे ब्रेस्ट फीडिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ता है, आप वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कुछ खास तरीके की पिल्स, गोलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके चलते आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं और बिना किसी डर के लव मेकिंग आपका कंटिन्यू हो सकता है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस और अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बाद आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यस, रिलेशनशिप बनाने के लिए चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई है या सर्जेरियन से, अच्छा रहेगा आप कम से कम 1-1.5 महीना वेट करें। उसके बाद आप अपनी बॉडी को केयरफुली सुनिए, आप देखिए कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं,
आप क्योंकि बहुत टाइम के बाद रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो अगर किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं तो खुल करके अपने पार्टनर से बात करिए। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप के बाद, खासकर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके बाद ऐसा हो रहा है, तो इमिडिएटली जा कर के आपको अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप आराम से 1-1.5 महीने के बाद रिलेशनशिप रख सकते हैं।